हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर 9। चैप्टर नेम इज मेजर ऑफ टाइम। ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू हाउ टू सी एट द टाइम। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी हेयर ए वॉच ऑन ब्लैक बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, द क्लॉक डायल इज डिवाइडेड इंटू 12 इक्वल parts like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, and 12 is big divisions। okay students, clock has two hands, first long hand, second short hand। okay तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा होगा अपने घर पर भी एक घड़ी इस तरह की कोई बड़ी वॉच, यानी कि जो आपके वॉल पर होती है, दीवार पर होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपने जो वॉच देखी होगी लाइक ऐसी होगी, ठीक है। तो आपने उसमें साथ में ये भी देखा होगा, एक बड़ी सुई होती है एंड एक छोटी सुई होती है। जो बड़ी होती है उसको हम लॉन्ग हैंड बोलते हैं, एंड जो छोटी होती है उसको हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं। लॉन्ग हैंड को हम मिनट हैंड बोलते हैं, एंड जो शॉर्ट हैंड होती है उसको हम हार हैंड, यानी कि जो हमारे घंटे वाली सुई होती है वो बोलते हैं। ओके, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्लॉक, जो ये आपकी घड़ी है ये आपकी फोर पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। फोर्थ पार्ट कैसे, जैसे कि जब आपकी कोई सुई, जब आपकी बड़ी सुई हमेशा 12 पर आएगी तो वहाँ ओ क्लॉक होगी, और आपकी जो छोटी सुई होगी किसी भी नंबर पर होगी, ठीक है। लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं, छोटी सुई आपकी 3 पर है, बड़ी सुई आपकी 12 पर है, तो यहाँ पे 3 ओ क्लॉक होंगे, यानी कि नंबर जो ये छोटे वाली सुई जिस भी नंबर पर होगी और बड़ी सुई आपकी 12 पर होगी हमेशा, तब आपके वो ही आपका टाइम होगा। जैसे कि छोटी सुई अभी 3 पर थी, अब मैं 4 पे कर दूं तो ये क्या होगा, टाइम आपका 4 होगा। ओके, इसके बाद है आपका कि अगर आपकी जो ये जो आपका हाफ पार्ट है, यानी कि जब आपका हमेशा सुई जो ये जो आप देख सकते हैं ना यहाँ पर 6, अगर आपकी ये लॉन्ग हैंड यानी कि आपकी बड़ी सुई यहाँ पर होगी 6 पर, ठीक है, तो हमेशा आपका हाल्फ फास्ट होगा। तो ये थोड़ा सा क्या होगा, ये यहाँ से थोड़ा सर खिसक जाएगी, यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा क्या लेंगी, ये यहाँ से चलेगी, एंड आपका जो ये जो लॉन्ग हैंड है यहाँ से चलते चलते ऐसे ये यहाँ जाएंगी, तो ये हाल्फ फास्ट होगा, ठीक है। लाइक क्या बोलेंगे इसको, 3 हाल्फ फास्ट, यानी कि 3:30 बजे हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पे, ये मैं आपको बता देती हूँ एक बार ये वाला पॉइंट। अब ये वाला, ये तो हो गया आपका ओ क्लॉक और हाफ पास्ट, यानी कि जब पूरे 3 होंगे एंड जब हाफ होंगे। अब इसके बाद आता है आपका जब आपकी कुछ मिनट होती है, जैसे कहते हैं ना कि 3:05 हो चुकी है, 3:10 हो चुकी है, 3:15 हो चुकी है, 20 हो चुकी है, 25, फिर 30 पे तो आपका हाफ पास्ट ही आ जाता है 3:30 पर, तो ठीक है। तो जब आपकी ऐसे होते हैं 3:10 हो चुके हैं, तो स्टूडेंट्स उस चीज़ को हम बोलते हैं मिनट्स पास्ट, यानी कि इतनी मिनट जो है बीत चुकी है, या फिर क्वार्टर पास्ट भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, या तो क्वार्टर पास्ट भी बोल सकते हैं या फिर मिनट पास्ट भी बोल सकते हैं। ओके, फिर अब आगे चलते हैं। फिर ये तो हाल्फ पास्ट मैंने आपको बता ही दिया। फिर उसके बाद है आपका जब आपकी सुई फिर यहाँ से 35 हो जाते हैं कि 3:35 हो रही है, वो 40 हो गई, फिर 45 हो गई। तो कभी कभी आपने सुना होगा घर पे अपने मम्मी आपकी कहती होंगी या फिर आपके पापा बोलते होंगे कि 5:10 रह रही है या 4:10 रह रही है, तो स्टूडेंट्स तब आपकी ये वाले वहाँ पे लिखा जाएगा कि मिनट्स 2 या फिर क्वार्टर 2, ठीक है, कि इतनी मिनट रह रही है कितने बजने में, 5:00, ठीक है। हमेशा याद रखें जब आपका क्वार्टर पास्ट होता है, जब आपका क्या होता है क्वार्टर पास्ट होता है, यानी कि 3:15 होती है, तो हमेशा आप वहाँ लिखेंगे क्वार्टर पास्ट, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्वार्टर पास्ट भी लिख सकते हैं, वैसे तो 15:03 भी लिख सकते हैं, या फिर आप अगर आप यहाँ पे लिख देंगे 3:15 तो भी आपका यही माना जाएगा कि 3:15, ठीक है। इसके बाद है आपका जैसे कि 2:15, यहाँ पे आपको डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं 2:15 के साथ में 3 या 4, तो ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। 2:15 का मतलब 15 रह रही है किसमें, 4:00 या 5:00, 6:00, ठीक है, इस तरह से। और मिनट्स पास्ट का मतलब होता है कि इतनी मिनट रह रही है किसने, इतने बजने में, ठीक है। जैसे कि लाइक आपका 3:10 रहता है, तो आप यहाँ लिखेंगे 10:02:03, ठीक है, क्योंकि 3:10 रह रही, तो 10:02:03। या फिर अगर 15 रह रही है आपकी 3:00, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 3:45 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होगा कि 15 रह रही है आपकी 4:00, ठीक है।
तो इसके लिए आपको स्टूडेंट्स क्या करना होगा, अब मैं आपको वॉच वाले क्वेश्चन है वो कराऊंगी। एक बार मैं फिर से आपको इसको रिवाइज करा रही हूँ स्टूडेंट्स, एक बार फिर से समझे। जो आपका ये वाला नंबर होगा हमेशा आपको दर्शाएगा कि आपका टाइम में पूरे 3 बजे हैं, यानी कि बड़ी सुई जो होगी आपकी 12 पर होगी तो आपका क्या होगा, और जो छोटी सुई यानी कि आपकी शॉर्ट हैंड होगी जब 3 पर, तो हमेशा दर्शाएगा आपको टाइम कि ये 3 बजे हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका जब आपकी जो बड़ी सुई जब ये 3:10 शो करेगी या आपकी 20 मिनट शो करेगी, तो आप वहां पे लिखेंगे कि 20 मिनट्स पास 2, सॉरी 20 मिनट्स पास 2, 3 या 4 या 5, कुछ भी, मतलब कि जो भी आप टाइम लेंगे अपना वो यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और अगर आपकी 15 मिनट पास्ट हो चुके हैं किसकी, 3 की, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3:15, यानी कि इसका मतलब कि 15 मिनट 3 की बच चुके हैं, यानी कि 15 मिनट बीत चुकी हैं किसकी, 3 की, यानी कि 3:15 हो चुके हैं, ओके। हाल्फ पास्ट में आपका 3:30 होता है, 3:30 भी लिख सकते हैं, हाल्फ पास्ट 3 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये आपका उसी के अंदर काउंट होगा 3:30 के, ठीक है। ऐसे मैंने आपको बताया कि जब 15 मिनट रह जाती है किसी भी समय में, जैसे 4 बजने में 15 मिनट रह जाती है, तो 3:45 लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। और अगर 10 मिनट रह रही है, या फिर आप इससे भी शो कर सकते हैं कि 15 मिनट्स टू 4, या फिर 10 मिनट रहे तो 10 मिनट्स टू 4, ठीक है। जब बीत चुकी, जो मिनट आप शो करोगे कि ये बीत चुकी है, तो वो आप शो करोगे इसके अंदर। हाल्फ के लिए यूज करोगे यानी कि आधा टाइम, यानी कि 3:30 के लिए यूज करोगे आप हाल्फ फास्ट, और जब पूरे बचते हैं कोई टाइम आपका तो ओ क्लॉक, और जब जितनी मिनट रह रही है उसके लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे वाला, ठीक है। तो आपको याद रहेगा ये क्या है, लॉन्ग हैंड है यानी कि इसको मिनट वाली सुई बोलते हैं, एंड आपकी ये क्या है, शॉर्ट हैंड है, ये आपकी क्या है, हार हैंड है। एक आपकी और छोटी सी सुई होती है, वो होती है जो सेकंड की होती है, वो हर टाइम टिक 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 करके चलती रहती है ना, जिस तरह से आवाज़ भी करती है हल्की हल्की, वो चलती ही रहती है नॉन स्टॉप, सेकेंड वाली जो सुई होती है। लेकिन जो आपकी हार हैंड है वो हर एक घंटे में चेंज होती है, जैसे कि 1 घंटे बाद चेंज होती है, जैसे कि आपकी ये वाली सुई है तो आपकी 3 से 4 के बजाय, मतलब कि 1 घंटे बाद चेंज होती है, हल्का हल्का से गैप तो शो तो होता है कि अब ये इतना आ गई, यहाँ आ गई, इस तरह से। जैसे 3:30 होंगे तो ये क्या होगी आपकी बड़े, ये जो आपकी हार एंड है ये क्या हो जाएगी, 3 और 4 के बीच में आ जाएगी, ओके। और जब आपका हाल्फ पास्ट होगा तब ये हल्का सा बस एक ही, एक यहाँ पे जो 5 ये आपके इस तरह से शो करता है स्टूडेंट्स। मैं एक मिनट बता देती हूँ, हर एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको यहीं पे, कि जो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 और 1 है, तो इनके बीच में हमेशा 5 सेकंड होती है आपकी, ठीक है। ऐसे ही 1 से 2 के बीच में भी 5 सेकंड होती है, फिर ऐसे 2 से 3 के बीच में भी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा आपकी वॉच अगर बड़ी सी होगी तो उसमें यहाँ पे इस तरह से ये बने भी होते हैं 4, फिर 5 जो होता है वो खुद इसका नंबर ही होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको याद रखना है, जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, यहाँ से ये इस पेंसिल्स के द्वारा है, जैसे कि ये 1 2 3 4 5, 5 नंबर ये खुद होता है, ये वाला नंबर जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह से फिर से आपके यहाँ पे काउंटिंग लिखी रहेगी 1 2, काउंटिंग नहीं मतलब इस तरह से एक ये लाइन सी बनी रहती है बारीक बारीक, फिर 1 2, फिर ऐसे 3 4 और 5, ये खुद होगा नंबर, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका टाइम का शो करने का तरीका है, यानी कि जो सेकंड है वो तो चलती रहेगी, और जब आपकी 60 सेकंड पूरी हो जाती है तब तो आपकी 1 मिनट पूरी होती है, ठीक है। और जब 1 मिनट पूरी हो जाती है तब आपकी क्या होती है, सॉरी, जब आपकी 60 सेकंड पूरी हो जाती है तो अब आपकी क्या होती है, 1 मिनट पूरी होती है, ओके। तो इस तरह से, और जब आपकी क्या होती है 60 मिनट पूरी हो जाती है तो क्या होता है, 1 घंटा होता है, ओके। तो ये तो मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें एक्सप्लेन करूंगी, बस आपको फिलहाल क्या समझना है, यहाँ से आपको ये ही समझना है कि लॉन्ग हैंड आपकी क्या है, शॉर्ट हैंड क्या है, यहाँ पर मिनट क्या होता है, मिनट पास्ट क्या होता है, 1:15 क्या होता है, 1:02 क्या होता है, 1:45 क्या होता है, ठीक है, हाल्फ पास्ट हो गया, ओ क्लॉक हो गया। तो ये सब आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि इनसे ही आपके जो एक्सरसाइज है 9A, एक्सरसाइज जो 9A है वो आपकी पूरी बेस इस पर ही है, डिपेंड है कि आपको लॉन्ग हैंड का पता होना चाहिए, शॉर्ट हैंड का पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम देख सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, आपकी एक्सरसाइज शुरू करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो कुछ बच्चों को तो वैसे सोच भी रहेंगे कि मुझे तो टाइम देखना आता है, ये तो चैप्टर बड़ा इजी होने वाला है, तो यस, वाकई में जिन बच्चों से टाइम देखना आता है उनके लिए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर फ्रेंड्स। तो आपको बहुत ही केयरफुली देखना है, पूरी वीडियो को देखना है, ताकि आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाएं, ठीक है। और जिनको टाइम देखना नहीं आता है उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर वीडियो को देखना है, ताकि वो क्या करे, बहुत ही अच्छे से इसको समझे, एंड वो आज अपने घर पे मम्मी को पापा को बताए कि मुझे टाइम देखना आ गया है, ओके। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 से।
ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 9A है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान जो है यहाँ पर इनको फिल करना है आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट से। ठीक है, इसमें लिखा है व्हेन द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम 12 to 3 इट कवर्स डैश मिनट्स। यानी कि जब आपकी मिनट वाली सुई क्या करेगी 12 से 3 पर आएगी, 12 से 3 पर। यानी कि मैं आपको ये वॉच बना के दिखाती हूँ छोटा सा, ये 12, ये आपके 6, ये 3, ये 9। ठीक है, ये 1, यहाँ पे 2, फिर आता है फिर 4 आता है, फिर 5 6 सॉरी 6 7 8 फिर 10 and 11। ठीक है, तो इसने कहा है कि जब 12 से 3 पे आएगी यानी कि आपकी जो सुई है, सपोज ये तो आपकी घंटे वाली सुई है, जो मिनट वाली ये वाली सुई है, ये क्या कर रही है, ये बोल रहा है कि 12 से क्या कर रही है, यहाँ पे आ रही है आपकी 3 पर। तो क्या कर रही है, यहाँ से हटकर ये कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो ये कितनी मिनट चल के आई आपकी, देख सकते हैं आप, काउंट कर सकते हैं 5। यहाँ मैंने क्या बताया था, एक जो नंबर होता है जैसे 12 और 1 है, इसके बीच में कितने नंबर होते हैं जो होते हैं 5 सेकंड होती है, इसी तरह से अगले नंबर के बीच में 5 सेकंड होती है, फिर इससे अगले भी के भी 5। तो 5 5 5 कितना हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 5 कितने हो गए, 3 है, तो आपका 15 मिनट्स। तो इसी तरह से आपका आंसर हुआ 15। ठीक है, तो इसी तरह से आपका बी पार्ट है। बी पार्ट में आपको क्या करना है, 3:30, इट मीन्स क्या, 3:30 को मैंने आपको क्या बताया था, 3:30 भी बोल सकते हैं, यानी कि 3:30 भी लिख सकते हैं इसको। तो इसमें बोला है द मिनट हैंड इज ऑन 6, तो यानी कि इसने बोला है कि जो मिनट सुई जो है वो किस पर है, 6 पर है, और जो आपकी हैंड होगी, हैंड वाली जो यानी कि घंटे वाली जो सुई होगी आपकी, वो कहाँ होगी, इसने पूछा है। तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, टाइम फिर से लिख लेते हैं, 12 6, ये आपका 3 हो गया, 9, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, 10 11, ये वॉच बना दे। इसने बोला है कि जो आपकी मिनट वाली सुई है वो तो कहाँ है आपकी, 6 पर है। तो इसने पूछा है कि घंटे वाली सुई कहाँ होगी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हाल फास्ट होते हैं तो हमेशा जो छोटे वो बड़े वाली घंटे वाली जो सुई होती है हमारी छोटे वाली, वो हमेशा जिस नंबर से का भी शो कर रही है, जैसे कि 3 पर थी वो, पहले 3 बज रहे थे, फिर वो हाल फास्ट शो कर रही है, तो वो 3 से थोड़ी सी 4 के बीच, यानी कि 3 और 4 के बीच में शो करेगी। ओके, यानी कि 3 और 4 आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है ए क्वार्टर पास्ट 9 इज ऑल्सो रीड एज 9:15, यानी कि सॉरी यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है, तो हमें फिल करना है यहाँ पे ए क्वार्टर पास्ट 9। मैंने आपको क्या बताया था, क्वार्टर पास्ट जो होता है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ फिर से, यहाँ 3 होता है, यहाँ 12 आपका, यहाँ 6, ये 9 है। तो मैंने आपको बताया था जब आपका यहाँ क्वार्टर पास्ट यहाँ बताया था ना, यहाँ 2:15 बताया था, इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ क्या होता है, पास्ट के लिए होता है एंड यहाँ पे 2 के लिए होता है, ये क्वार्टर पास्ट है, ये 2:15 है। तो जब वो कह रहा है कि 9:15, तो पास से मतलब है कि 9:15। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझ लेना है। मैंने आपको बताया था जब बोर्ड पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी टाइम, कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पर दे के अकॉर्डिंग याद रखनी है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 5:45 है, इज़ द सेम एज, तो इसको हम सेम लिखना है इसको, लेकिन लिखना दूसरे तरीके से है। तो जैसे मैंने बताया था 45 जब आपकी होगी उस टाइम, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, वहाँ पर उसको हम, क्योंकि 5:00 आपकी 45 मिनट हो चुकी है, तो इस टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5:45। क्या लिख सकते हैं, 5:45, क्योंकि 15 मिनट रह रही है कितने बजने में, 6 बजने में। तो मैंने आपको बताया था ना 5:45 भी लिख सकते हैं उसको, यानी कि सेम है इसको लिखने का तरीका बिल्कुल। फिर है व्हेन इट इज 2:15 द मिनट हैंड एज कवर्ड मिनट्स, यानी कि इसने कहा जब 2:15 मतलब कि जब 2:15 होते हैं घंटे वाली जो उसमें सुई में, तो द मिनट हैंड हैज कवर्ड, जो घंटे वाली सुई होती है तो कितने मिनट कवर्ड कर चुकी होती है आपकी, मिनट वाली जो सुई होती है, सॉरी मिनट हैंड जो होती है आपकी, वो कितनी कवर कर चुकी होती है आपकी मिनट। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था 2 आपका यहाँ पे आता है, यहाँ पे पास्ट आता है, तो स्टूडेंट्स वो यहाँ की बात कर रहा है, यानी कि आपकी 9 की बात कर रहा है, यहाँ होता तो 3 की बात करता, अगर पास्ट की बात कर रहा है तो यानी कि 3 वाली सुई की बात कर रहा है, और 2 की बात कर रहा है तो इट मीन्स वो 9 की बात कर रहा है, ये 6 की बात कर रहा है यानी कि पास्ट की, और 12 की बात कर रहा है तो क्लॉक की। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो इसने यहाँ पे क्या बोला है, उसने कहा है कि 2:15 यानी कि वो 9 की बात कर रहा है, तो कितनी मिनट कवर कर चुका है, यानी कि यहाँ से वो काउंट करता है। तो जैसे कि आप इस वॉच को देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक मिनट में आपको शो कर रही हूँ, जैसे
इस वाली वॉच को देखेंगे आप यहाँ से, तो जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक सुई के बीच में क्या होता है 5 सेकंड का आपका कवर कर, 5-5 सेकंड होती है सबके बीच में, ठीक है। तो 5 यहाँ से काउंट करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। तो 9 बज तक जाने में आपको कितनी मिनट लग रही है, क्वार्टर टू तक जाने में 45 ही तो कवर कर रहा है वो, तो इसलिए आप इसका आंसर क्या हुआ यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं, 45 हुआ, ठीक है। उसके बाद है आपका एफ पार्ट, व्हेन द मिनट हैंड, यानी कि जो आपकी मिनट वाली सुई है ठीक है, वो मूव्स फ्रॉम 12 to 6, यानी कि क्या करिए 12 से 6 पर जा रही है, क्या करिए मूव्स करिए, जैसे इस घड़ी को ले लीजिए, यहाँ से 12 से वो क्या करिए मिनट वाली सुई आपकी, ये वाली जो मिनट वाली सुई है ना, यहाँ से चली चलते 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 यहाँ आ गई 6 पर, तो वो मूव करके यहाँ आ गई, तो यानी कि वो किसको शो कर रही है कितनी मिनट चली वो, 30 मिनट चली, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया ना सबके बीच में कितने का अंतर होता है, 5 5 इस तरह से, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। उसके बाद है आपका जी पार्ट, व्हेन द मिनट हैंड इज ऑन 3 एंड हर हैंड पॉइंट टू लिटिल पास्ट 7, द टाइम रीड इज क्या लिखा, इसको क्या पढ़ रहे हैं हम टाइम को, 7:15, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था 7:15 हो चुके हैं, यानी कि बीत चुकी है आपकी 15 मिनट, तो 15 मिनट जब आपकी बीत चुकी है तो बीत जो आपका समय बीत चुका होता है मिनट आपका, तो वो कहाँ यूज करते हैं लिखने के लिए, वो यानी कि पास्ट, यानी कि यहाँ की बात कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 7:15, ठीक है। जब अगर आपको मिनट शो करना है तो आप क्या करेंगे, मिनट शो के लिए आप क्या करेंगे मिनट लिखेंगे 15:07, यानी कि 7:15 बीत चुकी है, लेकिन अगर आपको मिनट खाली 15 मिनट के बारे में बताना है तो आप 7:15 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 7:15, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि 15 मिनट्स पास्ट लिखने की भी, बस डायरेक्ट आप 7:15 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का जो रीड द टाइम, इसको क्या करना है, सॉरी रीड द टाइम, टाइम को रीड करना है यहाँ पर आपको, उनको लिखना है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स ए पार्ट है आपका, ये यहाँ पर टाइम आप देख सकते हैं 2 और 3 के बीच में, ये हल्की सी आपकी लिटिल जो है 3 पर ही आने वाली है इस तरह से देख सकते हैं, तो ये आपका टाइम, ये मिनट काउंट कर लीजिए यहाँ से 5 5 5 इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक दोनों नंबर के बीच में 5 सेकंड का गैप होता है, तो इस तरह से 5 5 काउंट करके आपके यहाँ 35 आ गया, तो इसको टाइम को हम सबसे पहले लिखेंगे नॉर्मल वे से 2:35, ठीक है। उसके बाद है आपका, अब इसको हमें दूसरे वे से भी लिखना है, तो कितनी मिनट बीत चुकी है आपकी, कितने तो यहाँ लिखेंगे 35 मिनट्स पास्ट, किसकी बीती है हमें 2 की, यानी कि 35 मिनट आपकी किस समय की बीती है 2 की, तो यहाँ लिखेंगे 35 मिनट्स पास्ट 2, या फिर इसको आप ये लिख सकते हैं कि 25 मिनट रह रही है आपकी कितने बजने में 3 मिनट में, वैसे तो आपको नॉर्मल यही लिखना है, कन्फ्यूज हो जाओगे वरना आप दोनों उसमें, तो टाइम में स्टूडेंट्स आप एक काम करें बस केवल यही लिखें यहाँ पर कि 35 मिनट्स पास्ट 2, यानी कि 35 मिनट बीत चुकी है आपकी 2 की, ठीक है। इस तरह से आपका ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4:50 हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे पता चलेगा आपको, तो वो काउंट कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्योंकि वैसे तो आपकी बिल्कुल यहाँ से 4 से चल, ये आपकी जो घंटे वाली सुई है यहाँ से 4 से बिल्कुल चलकर 5 पे जा चुकी है लगभग, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट रह रही है 5 बजने में, तो बिल्कुल ये फिर 5 पर हो जाएगी, यहाँ पे ये 5 हो जाएगी 10 मिनट जब पूरे हो जाएंगे ये, तो यहाँ पे अपनी काउंट करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है 35, 40, 45 और ये 50, यानी कि 4:50 हो चुकी है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 10 मिनट्स टू 5, यानी कि 10 मिनट रह रही है आपकी किस कितने बजने में 5 बजने में, देख सकते हैं ना कितनी मिनट रह रही है 5 और 5 और 5 10, यानी कि 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया, तो कितने बजने में रह रही है 5 बजने में रह रही है, तो 10 मिनट्स टू 5, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर कोई समय बीत जाता है तो पास्ट का यूज आप यहाँ करेंगे, और जब कोई समय बीत आपका आने वाला है किसी समय आने वाले के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, और क्लॉक के लिए ये हो गया और हाल्फ पास्ट के लिए आपका ये हो गया, आपको ये 4 वे हैं जो ये याद रखने हैं, जिनसे आप बहुत ही इजीली तरीके से आप क्वेश्चन को लिख पाएंगे। वैसे आप इसको ये भी लिख सकते हैं कितनी मिनट बीत चुकी है 4 की 50 मिनट्स पास्ट 4, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बस केवल आप एक काम करें इसमें भी इसी तरह से ऊपर वाला ही लिखेंगे पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे बड़ी इजीली तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, अब बाकी के जो पार्ट हैं वो सी डी ई एफ जी एच, ये आप सेल्फ करेंगे, सेम प्रोसीजर है स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया, बस आपको तरीका याद रखना है कि आपके वॉच के मिनट्स पास्ट कहाँ शो कर रहे हैं, मिनट्स टू कहाँ शो कर रहे हैं, क्वार्टर पास्ट आपको केवल तब लिखना है जब 15 मिनट बीत चुकी होती है किसी समय की, जैसे कि 7:15 हो चुकी है तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 7:15, ठीक है। और अगर किसी समय में आप 15 मिनट रह रही है
जैसे कि 5 बजने में 15 मिनट रह रही, तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्वार्टर टू फाइव, यानी कि 5 बजने में 15 मिनट रहेगी। बस केवल इन दो चीज़ों के लिए यूज करना है, क्वार्टर टू और क्वार्टर पास्ट का, अदरवाइज आपको मिनट से ही आपको शो करना पड़ेगा कि इतनी मिनट इतनी बीत चुकी है इसकी, ठीक है। और हाल्फ पास्ट में हमेशा हाल्फ पास्ट 6 लिखेंगे, कि 6:30 ना लिख के उसको हाल्फ पास्ट 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टाइम दिया है स्टूडेंट्स, क्या दिया है आपको देख सकते हैं 10:15। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको ड्रॉ द मिनट एंड हार हैंड अकॉर्डिंग टू द गिविन सॉरी टू द टाइम गिविन इन द, ये जो ये देख सकते हैं ना वो साइन इन्होंने यहाँ पे क्या किया है स्टूडेंट्स, ये साइन दिया हुआ है देख सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू टाइम गिविन इन द, ये साइन बना हुआ है इसके अंदर जो टाइम है। ऑल्सो राइट टाइम ऑन द, और उसका टाइम ऑल्सो लिखना है आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं उसने बोला है यहाँ पर 10:15, तो 10 आपकी 10 हमने सुई बना दी यहाँ पे, तो कितनी मिनट बीत चुके हैं 15 मिनट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जब आपकी 15 मिनट्स बीत चुकी होती है, यानी कि जब आपकी मिनट वाली सुई 3 पर होगी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर क्वार्टर, क्या लिखेंगे, यस आंसर क्वार्टर पास्ट, क्योंकि बीत चुकी है ना ये, तो पास्ट किसकी हुई है 10 की, डायरेक्ट लिख करके। या तो आप लिख सकते हैं इसको 15 मिनट्स पास्ट 10, लेकिन आपको वो लाइन नहीं लिखनी है, इसके लिए आप डायरेक्ट लिखेंगे आंसर क्वार्टर पास्ट, क्योंकि केवल ये क्वार्टर पास्ट यहीं पर यूज होगा इस 15 के लिए, कि 15 मिनट बीत चुके हैं, किसकी बीती है वो 10 की, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपको इसको कर लेना है यहाँ पर, ये है 1:15, तो 1:15 एक तरह से आपके 2 बजने में 15 मिनट रह रही है, तो ये जो आपकी छोटे वाली सुई है ये आपकी लगभग 2 के पास ही बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद है आप ये आपकी जो सुई है हल्की सी हम बिल्कुल 2 पर ही बनाएंगे, ठीक है, पूरी 2 पर नहीं होगी लेकिन ऑलमोस्ट। फिर 45 शो करना है, तो 45 के लिए आपकी सुई बड़े वाली यहाँ, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर इसको शो करना है, तो इसको क्या लिखेंगे क्वार्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर 9 पर है सुई आपकी मिनट वाली, तो क्वार्टर क्या लिखेंगे क्वार्टर टू, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स वहाँ के लिए क्वार्टर टू, और कितने बजने वाले हैं 2, क्योंकि 1:45 हो चुकी है, ये तो बीत चुका है, तो अब आने वाला जो समय है वो क्या है 2 है, 1 के बाद क्या बचते हैं 2, तो क्वार्टर 2, ठीक है। इस चीज़ को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर होगा। 3:25 है आपका, यानी कि 3:25, इसको तो आप क्या लिखेंगे 25 मिनट्स पास्ट 3, क्योंकि 25 मिनट बीती है किसकी 3 की। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके जो ई एफ जी एच आई हैं ये वाले पार्ट आप इसके सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई हो, एक्सरसाइज जो 9A है आपकी वो आपको समझ आई हो स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, और आप क्या करेंगे घर में जो आपकी वॉच है बार बार उसको टाइम को देखेंगे, और अपनी मम्मी से कंफर्म करेंगे कि हमने आपको टाइम जो बताया है वो बिल्कुल सही बताया है या नहीं बताया, ठीक है स्टूडेंट्स। आप जो देख सकते हैं मैंने अभी आपको जो स्टूडेंट्स जो मैंने आपको इस बोर्ड से अभी एक्सप्लेन किया था, बस आपको केवल क्या याद रखना है ओ क्लॉक हाल्फ पास्ट, यानी कि जब 12 पे सुई होगी तो ओ क्लॉक, यानी कि पूरे 3 बजेंगे। अगर आपकी यहाँ पर होगी 6 पर सुई आपकी, तो क्या होगा हाल्फ पास्ट होगा, ठीक है। और अगर 3 पर आ रही है तो क्वार्टर पास्ट लिखेंगे, और अगर जैसे 10 मिनट हो रही है 5 मिनट हो रही है, तो उसके लिए आप मिनट पास्ट का यूज करेंगे। और अगर आपकी सुई आपकी बड़ी बड़ी सुई जो है 9 पर होगी, तो क्वार्टर 2 लिखेंगे उसके लिए। एंड अगर आपकी कोई जैसे कि 10 मिनट रह रही है 4 बजने में या 5 बजने में, तो 10:04 लिखेंगे, मतलब इस तरह से मिनट 2 का यूज करेंगे वहाँ पर, ठीक है। अगर आपको ये 4 चीज़ें याद है 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये चीज़ें याद रह गई, तो स्टूडेंट्स 100% आप बिल्कुल टाइम देखना सीख जाएंगे, ठीक है, जिनको नहीं आता है टाइम देखना। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये ट्राई करें घर पर। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।